त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा किसान मोर्चा ने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल को हुए भारी नुकसान के मुआवजे एवं बाजरे का समर्थन मूल्य दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। राठौड़ ने बताया कि हमारे जिले में इस बार अतिवृष्टि के कारण किसानों को मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा एवं सिंचित क्षेत्र में नरमे की फसल लगभग खराब हो चुकी है। इसलिए खराब हुई खरीद की फसल का राज्य सरकार के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या पटवारी के समय पर सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की गई है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सत्यनारायण सहारण, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद राहड़ आदि मौजूद थे। सर्वाधिक के राजस्थान अब बाजरा उत्पादक प्रदेश है। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करे और इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपना प्रशंसा पत्र भेजे, इस मांग को लेकर आज प्रदर्शन हुआ है, ज्ञापन दिए गए हैं। इस बार बाजरे का समर्थन मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल केंद्र सरकार ने सूचित किया है। बाजार में बाजरा अभी 1350-1300 रुपये प्रति क्विंटल के बिक रहा है। राजस्थान के किसानों को पिछली बार भी 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जी सारण और हरलाल जी सारण की अगुवाई के अंदर आज प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। दूसरा, अतिवृष्टि से इस बार मूंग मोठ की फसल, बाजरे की फसल नष्ट हो गई। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री ने निर्देश भी दिए थे विशेष गिरदावरी करने के, पर शासन प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा। उस गिरदावरी को करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है और एक जो किसानों के पेंडिंग कृषि कनेक्शन है, एक साल पहले जिनका पैसा जमा हो गया, उसके लिए भी एक ज्ञापन में एक मांग अंकित की गई है। मुख्य रूप से बाजरे के समर्थन मूल्य को अगर क्रय नहीं किया तो आगामी 7 दिन के पश्चात पूरे राजस्थान में किसानों की अगुवाई के अंदर हम आंदोलन को तेज करेंगे। पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर किसान सड़क पर उतरे। मैं समझता हूँ कि ये बात कहने से पहले अपनी नपुंसकता को देख लेते हैं, सरकार लिए बैठे और सरकार की भी आधी उम्र से ज़्यादा उम्र चली गई, किसने उनको रोका है कि कोई फाइल, जिस फाइल के अंदर मेरे खिलाफ़ कोई आरोप प्रमाणित हो, और जिस दिन आरोप प्रमाणित हो गए उस दिन स्वार्थिक जीवन से छोड़कर चला जाऊंगा। मैं समझता हूं खुद अपने गरिमा में देखे, जिनके ईडी ने जिस परिवार को नोटिस दे रखा है, मैं समझता हूं मुझे उस बात पर व्यक्तिगत हमला नहीं करूं तो ठीक है, पर अगर उनमें हिम्मत है और उन्होंने कहा फाइल खुलवाना है तो नहीं खुलवाए तो मैं मानूंगा उनकी कमजोरी है। घटनों के बल चली ये सरकार और अब कोरोना की वैश्विक महामारी के प्रोटोकॉल के अंदर हम जनता को लेकर सड़क पर नहीं उतरे, पर जिस दिन सरकार अपने तीसरे वर्षगांठ का जश्न मना रही होगी उस दिन राजस्थान की राजधानी में 5 लाख से ज्यादा लोग किसान के लिए इस सरकार का मातम मना रहे होंगे, ये मैं आप कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कोई चेहरा नहीं है, हम सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का पद हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर आम आदमी के, आम कार्यकर्ता के पास है। हमारे पास चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है जो विश्व में सबसे लोकप्रिय है, हमारे पास चेहरा हमारे लोह पुरुष अमित शाह साहब का है, इसलिए दूसरे चेहरे की कोई बात ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एकजुट है और इस कांग्रेस की छाती पर मूंग दलने का काम हम कर रहे हैं। आज सरकार का मुख्यमंत्री, आज पहले मुख्यमंत्री हो गए जिनके कार्यालय 17 महीने से कार्यालय का दरवाजा नहीं खुला, दीमक लग गई आज सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय पर, जो अपने घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहे उन्हें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना पड़ेगा, आज किस मुंह से बात कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर एक गांव में एक काम गिना दे जो कांग्रेस ने किया हो, एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बता दे इस चूरू जिले के अंदर जो कांग्रेस के समय में शुरू हुआ हो और इन्होंने उद्घाटन किया हो। हमारे किए हुए कामों पर पत्थर लगाने से विकास नहीं होता। पंचायत समिति चूरू में आज सरपंच फोरम के अध्यक्ष बलवीर ढाका के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ढाका ने बताया कि मार्च 2021 में आंदोलनरत सरपंच संघ के मांग पत्र पर मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना का मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समझौता किया गया था। लिखित समझौते पर पंचायती राज विभाग द्वारा 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करने से सरपंच संघ ने पुनः आंदोलन करने का निर्णय किया है। वहीं आंदोलन के चलते प्रशासन गांवों के संघ अभियान का पूर्ण बहिष्कार व पूर्ण असहयोग करते हुए ग्राम पंचायत की तरफ से इन शिविरों में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
इस दौरान रामकरण फगेड़िया, सुरेंद्र कुमार, भंवरी देवी आदि मौजूद रहे। आज पंचायत समिति में विकास अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार तक संपूर्ण राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर एक ज्ञापन प्रेषित किया है। दिनांक 6 मार्च 2021 को एक लिखित समझौता राज्य सरकार के साथ हुआ था, जिसमें हमारी सरपंच संघ की कुछ मांगे थी जिन्हें सरकार ने पूरा करने का आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर कल 2 अक्टूबर से होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करने का सरपंच संघ ने निर्णय लिया है, जिसका ज्ञापन हमने आज पंचायत समिति में विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुँचा दिया। तारानगर नगर पालिका में आज होने वाली साधारण सभा की बैठक स्थगित कर दी गई, जिसको लेकर भाजपा पार्षद नाराजगी जाहिर करते हुए पालिका में पहुंचे और पालिका प्रशासन से बैठक को स्थगित करने का कारण पूछा, जिसमें ईओ अरुण कुमार सोनी ने वार्ता कर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो के निजी कारणों से बाहर होने के चलते बैठक को स्थगित करने की बात कही। इसके बाद भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका में धरना देकर नारेबाजी की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष कपिल शर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष त्रिलोक रैगर, सुदर्शन सबलानिया आदि मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा 29 तारीख को शाम को हमें सूचना दी गई थी कि 1 अक्टूबर को सुबह 12:15 बजे साधारण सभा की बैठक रखी है। हमारे सभी पार्षदगण सही वक्त पर 11:30 बजे नगर पालिका में एकत्रित होने शुरू हो गए और नगर पालिका में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि मीटिंग निरस्त कर दी गई है। हमने यहाँ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी से पता किया कि ऐसा क्या कारण है कि आपने अचानक ऐन वक्त पर मीटिंग कैंसिल की है, जबकि आपने शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग आहूत की थी। हमने उसका विरोध नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि प्रशासन गांवों के संग कैंप प्रारंभ होने थे, तब हमने सोचा कि शॉर्ट टाइम में मीटिंग बुलाई गई है, बट आपने उससे भी शॉर्ट टाइम एन वक्त पर मीटिंग निरस्त करके चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हमारे नगर पालिका के सम्मानित पार्षदगण है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य हो, उनका अपमान किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमने निंदा प्रस्ताव बनाकर अधिशासी अधिकारी को सौंप दिया है। हमने कॉपी जिला कलेक्टर महोदय और DLB डायरेक्टर महोदय, उपखंड अधिकारी को सौंपी है कि आइंदा ऐसा करते ना हो कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ऐसे अपमान किया जाए। आज हमें इस करते की सभी सामूहिक घोर निंदा करते हैं और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि 18 पार्षदों ने साइन करके नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ये अपना घोर निंदा प्रस्ताव पास करके प्रेषित किया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संघ 2021 को तारानगर क्षेत्र में सफल बनाने हेतु एवं सभी आमजन को पार्षदों के माध्यम से जानकारी देने हेतु आज 1 तारीख को 12:15 बजे साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा ये भी अवगत करवाया गया था कि बुकलेट सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाई जानी है, परंतु समय का अभाव होने के कारण बुकलेट नगर पालिका को प्राप्त नहीं हुई। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय के किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से बाहर होने के कारण उस बैठक को कल रात ही निरस्त कर दिया गया, जिसकी सूचना समय पर पार्षदों को उपलब्ध करवा दी गई थी। बैठक शीघ्र ही दोबारा आयोजित की जाएगी। 2 या 3 दिवस में सभी पार्षदों को पुनः सूचना जारी कर दी जाएगी, जिसमें प्रशासन, शहर संघ तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी पार्षदों को दी जाएगी। रतनगढ़ में BSNL ऑफिस के पास स्थित गैराणी में आज सुबह एक युवक के गिरने की सूचना पर प्रशासन मुस्तैद हो गया तथा घटना स्थल के पास लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान पालिका पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा गैराणी में शव को तलाशने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन 3.5 घंटे बाद भी पालिका के कर्मचारियों को युवक का पता नहीं चला, जिस पर मौके पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी खाली हाथ लौट गए। वहीं देर शाम लापता हुए युवक ने मुंबई में रहने वाले अपने मित्र से संपर्क साधा, तब परिजनों ने राहत की सांस ली।
सुबह मेरे पास में जो यहाँ गेनानी जो चला रहे हैं वो सुबह आया था, उसने कहा कि साहब मेरे साथ ही जो एक गेनानी चलाता है कोई खातियों में है जाति से, तो वो अभी वहाँ पर उसकी केवल चप्पल पड़ी है और मोटरसाइकिल खड़ी है, उसके मम्मी परिवारजन भी आए हैं और वहाँ कोई ऐसा उसने कुछ लिख के भी आया है कि मैं आज रात को गेनानी में कूद जाऊँगा, आप वहाँ पर मौके पर चल के देखो। तो मैं जब यह आए 5-7-10 आदमी भी इकट्ठे हो रखे थे या चप्पल खुली हुई थी जो मैंने देखा, उसके बाद हम ढूंढवा रहे हैं पर ऐसा इस गेनाड़ी में जहाँ तक है मिट्टी से पूरी भरी हुई है और ऐसा कोई हमें निशान भी नज़र नहीं आ रहा अब तक प्राइमा फेस कि भाई यहाँ व्यक्ति डूब सकता है, क्योंकि ये छोटी जगह पहले बड़ी थी और अभी ये मिट्टी से लगभग फिलअप है। फिर भी अब कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, बिलाई लगाई है, मशीन बड़ी वाली मंगाई है, पानी की इसमें कहीं पर ऐसा गहरा है नहीं, जो जितना पानी है अभी मोटर चल रही है वो पूरा खाली हो चुका है लगभग, देख रहे हैं क्या स्थिति। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समाज कल्याण सप्ताह का शुभारंभ आज कल्याण भवन में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान अध्यक्ष पेंशनर समाज के मोहनलाल शर्मा, मुख्य अतिथि जिला प्रमुख वंदना आर्य, अति विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति पायल सैनी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर सभापति ने वृद्धजनों के सुखद दीर्घायु जीवन की शुभकामना करते हुए बुजुर्गों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन के अनुभव से युवा वर्ग को दिशा निर्देश प्रदान करते रहें। इस अवसर पर विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हेतु 21 वृद्धजनों को शॉल, श्रीफल एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। नहीं रही, क्योंकि किसी भी एक दिन को मनाने से हम लोग उनकी जो उनका पूरा जो साल होता है या हम उनके उनके लिए जो हमारे दिलों में जो मान सम्मान होता है वो हम एक दिन के अंदर झलका नहीं सकते, क्योंकि जब मदर्स डे फादर्स डे आता है तो हम सब अपने माता पिता के साथ खड़े होकर फोटोज खिंचवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल विपक्ष में कभी नहीं रही कि अब हम सिर्फ एक ही दिन अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, अपने माता पिता का मान सम्मान करें। और मान सम्मान करना या मांगने से कभी मिलता ही नहीं है, हम मांग के किसी से कोई चीज़ भी नहीं ले सकते। तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया है, आने वाली पीढ़ी है। कभी अभी जब कल मेरे को इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया तो मैं 2 मिनट के लिए मैं भी सोचने लग गई कि ये दिवस क्यों मनाए जाने लगे, पहले नहीं मनाए जाते थे, अब इसकी क्यों ये नीड क्यों पैदा हुई कि अब जो है हमें एक दिवस मनाना पड़ रहा है। तब थोड़ा सा चंदन नन करने के बाद में घर के बुजुर्गों के साथ बैठने के बाद ही ये सामने निकल के आया कि पहले हिंदू धर्म के अंदर माता पिता का मान सम्मान कह के नहीं लेना पड़ता था। ये मान सम्मान ऐसा था कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के कहने पर सारा राजपाट त्याग कर वनों में घूमे थे। हमारा हिंदू धर्म ये था, श्रवण जी जो थे उन्होंने अपने कंधों पर अपने माता पिता को बिठा कर 4 धाम की यात्रा करवाई थी। अब वो समय बीत चुका है। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में प्रत्येक वर्ष हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह समाज कल्याण सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। आज समाज कल्याण सप्ताह का शुभारंभ दिवस पे प्रथम दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के वृद्धजन व्यक्ति जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष महारत हासिल किए, जो बहुत उन क्षेत्रों में जो अपना अनुभव रखते हैं, उन लोगों का आज विभाग की तरफ से एक सांकेतिक रूप से उनका सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तथा राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विभागों के द्वारा इन लोगों के कल्याणार्थ जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है उन विभागों को भी आज यहां बुलाकर उनके लिए संचालित योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम के अंदर जिला प्रशासन के समस्त जिलाधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगणों को इन्वाइट किया गया है और आज ये हमारा दोपहर तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कैंप के अंदर विशेष तौर पर हमने चिकित्सा विभाग की तरफ से एक चिकित्सा धाम शिविर का भी आयोजन किया गया है और इस चिकित्सा शिविर के माध्यम से उनके स्वास्थ्य जांच, उनके ब्लड शुगर, बीपी आदि की भी जांच की जाएगी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने आज चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। बिश्नोई ने कहा कि वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को मरुस्थलीय क्षेत्रों की वानिकी, वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ इससे संबंधित ज्ञानवर्धन और प्रशिक्षण देने के लिए तालछापर में
वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया है। इससे न केवल कार्मिकों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल सकेगी बल्कि इससे वन्य जीवों और वनों के संरक्षण व संवर्धन में भी सहायता मिलेगी। जिला मुख्यालय स्थित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वावधान में व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा प्रभा धंधावत की अध्यक्षता में कार्य समिति का आयोजन किया गया। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शर्मिला देवी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों व सदस्यों ने जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत का चुनरी ओढ़ाकर अभिनंदन किया। राठौड़ ने कहा कि महिला शक्ति देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और उसके सर्वांगीण विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आज अपने चुनरी जिले में महिला मोर्चा का सम्मेलन हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि प्रभा जी को जो ये जिम्मेदारी मिली है वो आज देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को इन्होंने आज यहाँ पे बुलाया है और एक सम्मेलन का आयोजन करके एक संदेश दिया है कि जब महिलाएं कुछ आगे करने का सोचती तो निश्चित तौर से वो क्षेत्र में, और बिल्कुल जिस प्रकार से क्षेत्र में आप प्रदेश में ये जो अपना राजस्थान है आज चाहे कोई भी घटनाएं हो उसमें प्रथम स्थान पर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम महिलाओं को आगे बढ़ना होगा। महिलाएं जब आगे बढ़ कर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से ऐसी घटनाएं कम होगी और प्रयास करेंगे कि उन महिलाओं को उनका अधिकार मिले। राजल देसर की श्रीनाथ नगर गौशाला में विशाल सुंदरकांड पाठ को लेकर भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया, गौशाला के मंत्री पवन बोथरा, राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा संस्था के भजनलाल पारिक व संरक्षक भागीरथ पारिक के सानिध्य में एक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पाठ में बैठने वाले सभी जोड़ों को भामाशाहों की ओर से अमेरिकन डायमंड का नेकलेस भेंट किया जाएगा। जय गौ माता। आज अगली 6 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या है और उस सब शुभ दिन पर श्रीनाथ नगर गौशाला में भव्य सुंदरकांड सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे यजमान के रूप में, सहयोगकर्ता के रूप में मुख्य रूप से बाबूलाल जी दुधेड़िया का आर्थिक सहयोग रहेगा। उसके साथ साथ राजाना मिट्टी प्रेमी व शिव हनुमान मित्र मंडल, इन दोनों संस्थाओं का भी फुल सहयोग रहा है और इनके सहयोग से और आदरणीय भागीरथ जी पारिक और इस गौशाला के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने ये भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन का कार्यक्रम रखा है। उसके पोस्टर विमोचन और ये पैम्पलेट विमोचन का आज कार्यक्रम रखा है। इन सब के शुभ हाथों से इस कार्यक्रम को आज संपन्न किया है और आने वाली 6 तारीख के लिए मेरा सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रीनाथ नगर गौशाला पहुंचे और इस सुंदरकांड में भाग ले। इसमें विशेष ये है कि जो जोड़े के साथ महिलाएं बैठेगी उनको श्री बाबूलाल जी की तरफ से अमेरिकन डायमंड का नेकलेस उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। भादरा के अपना घर आश्रम गोगा मेड़ी बागड़ धाम में आज महंत बाबा गुरु जोगेंद्र सिंह ने प्रभु प्यारों की सेवा में सेवा भावना से प्रेरित होकर 1100 नगद राशि, 2 क्विंटल आटा, 50 किलो चावल, 25 किलो चीनी, 10 कंबल व अन्य खाद्य सामग्री भेंट की। इस अवसर पर संचालक सतपाल बरोड़, आश्रम के सदस्य दिनेश कुमार, शिव दयाल चारण आदि ने महंत का आभार जताया। सरदार शहर के मेहरासर चाचेरा गांव में चल रही भागवत कथा का वाचन करते हुए वृंदावन के ओम महाराज ने कहा कि परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है, भक्ति को बचपन से ही करने की प्रेरणा देनी चाहिए क्योंकि बचपन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसा चाहे वैसा पात्र बनाया जा सकता है। कथा के दौरान मुख्य यजमान गुमान सिंह, पूर्व सरपंच टवर सिंह, भवर सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित जैन गेस्ट हाउस में आज गो सेवा समिति प्रदेशाध्यक्ष व बुधगिरी मंडी फतेहपुर महंत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में जिले के गौशाला पदाधिकारियों व गो भक्तों की बैठक हुई। बैठक में महंत ने बताया कि गोधाम महातीर्थ पथ मेड़ा में दंत शरणानंद महाराज का जीवन गो सेवा को समर्पित है और ऐसे संत का चूरू आगमन यहाँ के लोगों के लिए गौरव का विषय है। महाराज की ओर से गो सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वे 17 अक्टूबर की शाम को चूरू पहुंचेंगे तथा गो सेवा जागरूकता सभा को संबोधित करेंगे।
इस अवसर पर सालासर गौशाला से रविशंकर पुजारी, काशी प्रसाद क्याल, विश्वनाथ गोटेवाला सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान गौ सेवा समिति के द्वारा और पूज्य पथवेड़ा महाराज दत्त सनातन जी, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, उसके प्रधान संरक्षक संस्था उनके सानिध्य में नवरात्रों के बाद विजयादशमी से पूरे राजस्थान के प्रथम चरण में 10 जिलों में वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो नागौर से प्रारंभ होकर के चोरू के अंदर वो 17 अक्टूबर सायंकाल पहुँचेगा। 18 अक्टूबर को वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का भव्य कार्यक्रम चूरू में होने जा रहा है, जिसमें पूज्य पथवेड़ा महाराज जी और भी पूरे प्रदेश के और क्षेत्र के संत लोग रहेंगे। उस यात्रा के संबंध में आज चूरू में यहाँ जैन गेस्ट हाउस में बैठकर के चूरू क्षेत्र के सभी गुणवत्तों के साथ मीटिंग की गई है, आयोजन की तैयारियों को लेकर के विचार विमर्श हुआ है और एक भव्य स्तर पर बड़े स्तर पर यात्रा का कार्यक्रम हो, इसको लेकर के सबकी जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं। अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिम्मेदारी दी गई है और जैसे ही यात्रा आए बड़े स्तर पर उनका स्वागत हो, बड़ा कार्यक्रम हो, ऐसा आज निश्चय किया है। रतनगढ़ में टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन देकर नया वृत्त कार्यालय शहर में सृजित करने की मांग की है। एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त तृतीय रतनगढ़, जो कि 1973 से सृजित है, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नया वृत्त कार्यालय विभागीय पुनर्गठन में प्रस्तावित है, जिसका मुख्यालय रतनगढ़ में ही रखा जाए, क्योंकि यहां से बीदासर, सुजानगढ़ एवं सरदारशहर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर से कम है। इसके अलावा और कहीं होने पर रतनगढ़ व सरदारशहर के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान एडवोकेट जयकांत बिवाल, मोहनलाल महर्षि, पारस सराफ आदि मौजूद रहे। BSNL चूरू ने अपना 22वां स्थापना दिवस आज नेचर पार्क के ऑडिटोरियम में ADM लोकेश कुमार गौतम, SDM अभिषेक खन्ना, जिला खेल अधिकारी सरस्वती मुंड आदि की उपस्थिति में मनाया। इस अवसर पर BSNL पार्टनर्स के द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की गई। इस दौरान TDM चूरू DP महाजन ने सभी को बेहतर सर्विस देने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने किया। जिला मुख्यालय स्थित बालिका आदर्श विद्या मंदिर में आज स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी अपनाओ विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान समय में हमारी शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, भाषा आदि सभी विदेशी विचारधारा का हो गया है। हम सभी को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। हमें हमारे दैनिक उपयोग में सभी स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के व्यवस्थापक खेताराम चायल, मीनू वर्मा सहित विद्यालय स्टाफ व अभिभावक उपस्थित रहे। राजल देसर के निकटवर्ती गांव पायली स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन में शेखावटी क्षेत्र के टेरिटरी मैनेजर वीरेंद्र लाटा, सरपंच राजेंद्र सिंह, उप सरपंच कल्याण सिंह व प्रधाना अध्यापिका मंजू चाकलान के सानिध्य में विद्यालय के बच्चों व अध्यापिकाओं को करीब 200 मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लाटा ने आगंतुकों व बच्चों को कोरोना से बचाव के उपाय बताते हुए 2 गज दूरी व मास्क है जरूरी के स्लोगन को समझाया। इस दौरान ग्रामवासियों एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा पौधों की उचित देखभाल की शपथ भी ली गई। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका पायली में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज का कार्यक्रम हमारे समाजसेवी पर्यावरणविद शिक्षक बाबूलाल जी तूनगरिया द्वारा हस्त निर्मित मास्क वितरण का कार्यक्रम इस विद्यालय में रखा गया। सरपंच, उप सरपंच, प्रधानाध्यापिका जी, समस्त स्टाफ की उपस्थिति में सभी बच्चों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और इसके साथ साथ वृक्षारोपण का महत्व भी बच्चों को बताया गया और प्रतीक रूप में वट वृक्ष
का रोपण आज इन समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया और वृक्षों को बचाना, वृक्षों का संवर्धन और उसका लालन पालन करने का संदेश सभी प्यारे छात्र छात्राओं को दिया गया। जिला मुख्यालय के झारिया मोरी स्थित गुरुकुल में सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज लाइनेस क्लब की ओर से भोजन करवाया गया। भोजन की व्यवस्था निर्मला मंडावे वाले की तरफ से की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष संध्या जैन, कमल सुराणा, रूपम माथुर, तारा जैन, मुन्नी डागा ने सहयोग प्रदान किया। चूरू में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड की ओर से दक्ष प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिले के स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के चयनित दक्ष प्रशिक्षकों का साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति तथा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वित्तीय साक्षरता एवं संप्रेषण कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण में मुख्य प्रशिक्षक जयपुर के डॉक्टर आदेश चतुर्वेदी थे, जिन्होंने प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा करते हुए जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण के अपने लंबे अनुभवों को भी साझा किया। रतनगढ़ तहसील के गांव पड़िहारा की रूही में गुरुवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से हुई 2 लोगों की मौत के मामले में आज मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिए। वहीं आज राजकीय अस्पताल में विधायक अभिनेश महर्षि भी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दी। बहुत दुखद घटना हुई मेरे विधानसभा क्षेत्र के गाँव पड़िहारा में। खेती का काम करने गए हुए 2 व्यक्ति नेमीचंद और शकीर, इन दोनों की आकाशीय बिजली गिरने से प्राकृतिक आपदा से इनकी मृत्यु हो गई। दोनों ही नौजवान थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत दुखद घटना हुई है। मैंने तुरंत कलेक्टर साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने मेल किया है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी इन परिवारों को तुरंत सहायता दी जाए और जो राज्य स्तर के ऊपर कलेक्टर के लेवल पर तुरंत सहायता दी जाती है वो भी दी जाए। और ये कृषि का कार्य करने गए हुए थे, खेत में बाजरे के सीटे तोड़ने के लिए गए हुए थे। जैसे ही अचानक तेज़ बरसात का लगा तो ये पेड़ के नीचे खड़े हो गए और वहीं पर बिजली गिरी और इनकी मौत हो गई। एक घायल भी हुआ है। तो दोनों मृतकों को और घायल परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री जी से और संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की है और दोबारा मैं बात करूंगा। आज यहां मोर्चरी में आया था, ये इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। गांव के बहुत सारे लोग गमगीन हैं। मेरी पूरे तीनों परिवारों के साथ में संवेदना है, घायल के प्रति भी, उसका इलाज कराने के लिए भी यदि कोई मदद की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। गांव के सारे लोग इनके परिवार के साथ हैं।